नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अक्षय बेहद ही गंदी तरीका से गुस्सा होता हुआ नजर आ रहा है। अक्षय बोलता हुआ नजर आ रहा है कि मेरे ऊपर तुम झूठे केस लगा रहे हो रणवीर, मैंने कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों रणवीर जानता है कि अक्षय ने ही आखिरकार खुशी को किडनैप किया है, और खुशी को किडनैप करने पर सबसे ज़्यादा अक्षय का हाथ है, क्योंकि ये फील कर लिया था। और रणवीर को ये भी पता है कि अगर हम दोनों के बीच में, यानी प्राची और रणवीर के बीच में अगर किसी ने दूरियां पैदा की है तो वो कोई और शख्स नहीं है बल्कि वो अक्षय है, क्योंकि अक्षय दूसरे की लड़ाई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। लेकिन दोस्तों आखिरकार रणवीर सभी लोगों के सामने इसे एक्सपोज भी करेगा, और ऐसे एक्सपोज करेगा कि ये भूल जाएगा कि किसी के बीच में कैसे मजाक लिया जाता है। आप लोग जानते हैं कि कहानी लगातार एक नहीं बल्कि एक से बढ़कर एक एक नई नई चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। कब क्या कैसे क्या करना है ये इस समय रणवीर को भी पता है। रणवीर को पता है कि ये लोग कितना ज़्यादा हरामखोर है, क्योंकि अक्षय हमेशा दूसरों को चोट पहुंचाने में कभी भी पीछे नहीं हटेगा। उसका मतलब सीधा सीधा इस समय प्राची को हासिल करना है। किसी को चोट पहुंचे, किसी बच्चे को किडनैप करना पड़े, अक्षय ने किया है वो सब कुछ, क्योंकि उसने उसका मतलब है कि मैं प्राची को कैसी भी तरीका से हासिल कर लूँ। आप लोग जानते हैं कि प्राची को हासिल करने के लिए कितने गंदे तरीक़ा से गिर सकता है कोई शख्स, और इस तरीका से गिर सकता है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सभी लोगों का मानना ये है कि जो हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। रियलिटी के अनुसार तो बेहद ही कुछ देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर बेहद ज़्यादा परेशान चल रही है प्राची, क्योंकि प्राची को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार किसकी बात को सच माने किसकी को झूठ माने। जी हाँ साथी दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा। गाइस थैंक।